देश में कुछ महीनों से हार्ट अटैक के काफी केस सामने आ रहे हैं। अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से लोगों की मौतें भी हो रही हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई केस देखे गए जहां कम उम्र में ही दिल की बीमारी की वजह से लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान हार्ट अटैक के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। आरटीआई में पता चला कि अकेले मुंबई में ही 2021 में हार्ट अटैक से जान गंवाने वालों की संख्या में 6 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा दिल्ली जैसे शहरों में अस्पतालों में अब हार्ट अटैक मरीजों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ गई है। नई दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड के बाद हार्ट की बीमारियों में काफी इजाफा हुआ है। डॉक्टर चिमन्य गुप्ता बताते हैं कि कोविड से संक्रमित हो चुके लोगों में कोरोनरी हार्ट डिजीज काफी बढ़ गई है। इसका एक बड़ा कारण है कि कोविड की वजह से हार्ट और लंग्स की धमनियों में खून के थक्के बन रहे हैं, ब्लड गाढ़ा हो रहा है। ब्लड क्लॉट होने की वजह से हार्ट तक खून की सप्लाई सही से नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हार्ट सही प्रकार से अपना फंक्शन नहीं कर रहा है। कई मामलों में लंग से लेकर शरीर के अन्य हिस्सों में फैली नसों में खून के थक्के बन जाते हैं, इससे ऑक्सीजन की सप्लाई में दिक्कत आने लगती है। इसकी वजह से भी लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बरेली में लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात प्रभात प्रेमी अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में एक होटल में शामिल होने के लिए गए थे, जहां वो डीजे पर डांस कर रहे थे। अचानक डांस करते करते उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। वहीं मैनपुरी में गणेश पंडाल में गणेश उत्सव के दौरान रवि शर्मा हनुमान जी की भूमिका में नाच रहे थे, तभी उन्हें हार्ट अटैक आया और वो नीचे फर्श पर गिर गए और कुछ ही समय में उनकी मौत हो गई। लोगबाग रवि शर्मा के नीचे गिरने को उनका अभिनय समझ रहे थे, लेकिन उनकी जान जा रही थी। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जम्मू में, जहां भोलेनाथ के भजन पर नाचते नाचते एक महिला कलाकार की मौत हो गई। यहां इस नर्तकी के नाच को लोग बाग अभिनय समझ रहे थे और आए हुए हार्ट अटैक पर नीचे गिरने को भी उसका अभिनय समझते रहे। लोग बाग ताली बजाते रहे और उस नर्तकी की मौत हो गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में डॉक्टर के सामने बैठे मरीज को अचानक हार्ट अटैक आया, तभी डॉक्टर ने सूझबूझ से सामने बैठे हुए मरीज की जान बचाई। दरअसल मरीज डॉक्टर के पास परामर्श लेने के लिए गया था, इसी दौरान उसको हार्ट अटैक आया, जहां डॉक्टर ने मरीज को CPR देकर उसकी जान बचा ली। साथियों, अगर आपके आसपास इस तरह की कोई घटना हो रही हो तो उस मरीज को तुरंत CPR दें। CPR देने से मरीज की जान बचाई जा सकती है। जब तक एम्बुलेंस या डॉक्टर का प्रबंध ना हो, तब तक उसको CPR देते रहना चाहिए। CPR एक तरह की थेरेपी है, जो मरीज की जान बचाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। CPR की फुल फॉर्म कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन है। इससे कार्डियो अरेस्ट और सांस ले पाने में दिक्कत आने पर व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। CPR आपातकालीन स्थिति में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है, जो किसी व्यक्ति की धड़कन या सांस रुक जाने पर प्रयोग की जाती है। CPR में बेहोश व्यक्ति को सांसें दी जाती हैं, जिससे फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और सांस वापस आने तक या दिल की धड़कन सामान्य होने तक छाती को दबाया जाता है, जिससे शरीर में पहले से मौजूद ऑक्सीजन वाला खून संचारित होता रहता है। अगर व्यक्ति की सांस या धड़कन रुक गई हो तो जल्द से जल्द उसे CPR दें, क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन के बिना शरीर की कोशिकाएं बहुत जल्दी से खत्म होने लगती हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं कुछ ही मिनटों में खत्म होने लगती हैं, जिससे गंभीर नुकसान या फिर मौत भी हो सकती है। अध्ययनों से पता चलता है कि अगर अधिक लोगों को CPR देना आ जाए तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं, क्योंकि सही समय पर CPR देने से व्यक्ति के बचने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।